हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल अवनी यादव एंड वेलकम बैक टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस, मतलब सोसाइटी और कम्युनिटी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कितनी सिमिलरिटीज़ और कितने डिफरेंस हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब शुरू करते हैं इनका डिफरेंस। सो फर्स्ट इज़, सबसे पहले देखते हैं सोसाइटी। सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो सोसाइटी है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। सोसाइटी को हम मतलब कभी भी देख नहीं सकते, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। बट कम्युनिटी इज़ कॉन्क्रीट, लेकिन जो कम्युनिटी है वो कॉन्क्रीट है, मतलब कम्युनिटी को हम फेल्ट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सेकेंड इज़ सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, जो समाज है वो एक सामाजिक रिश्तों का वेब है, एक नेटवर्क है, मतलब सोसाइटी में बहुत सारी रिलेशनशिप्स प्रेजेंट होती हैं। बट कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन जो कम्युनिटी है वो लोगों का ऐसा समूह है जो कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया पर प्रेजेंट होते हैं। सोसाइटी में रिलेशनशिप्स होती हैं, यहाँ पर लोगों का ग्रुप होता है, रिलेशनशिप भी होती हैं, लेकिन इसका फीचर क्या है कि कम्युनिटी हमेशा किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है। जो भी लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में होंगे उसको हम कम्युनिटी बोल सकते हैं। थर्ड इज़ सोसाइटी इज़ बेस्ड अपॉन लाइकनेस एंड डिफरेंसेस बोथ, मतलब जो सोसाइटी है उसमें लाइकनेस यानी कि सिमिलरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है और डिफरेंसेस भी, समानताएँ भी होती हैं किसी भी समाज में और डिफरेंसेस भी होते हैं। बट कम्युनिटी इज़ प्रेजेंट अपॉन लाइकनेस ओनली, मतलब जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ लाइकनेस होती है, समानताएं होती हैं, यहाँ पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते कम्युनिटी में। फिर फोर्थ है स्कोप ऑफ सोसाइटी इज़ वाइड, एज अ सोसाइटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी कम्युनिटी, जो सोसाइटी है इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा वाइड है क्योंकि सोसाइटी के खुद के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। बट स्कोप ऑफ कम्युनिटी इज़ स्मॉलर और लिमिटेड, लेकिन जो कम्युनिटी का स्कोप है ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर है क्योंकि कम्युनिटी सोसाइटी का ही एक पार्ट होती है। फिफ्थ इज़ इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब जो सोसाइटी है, सोसाइटी के पास अपना कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता, मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस जगह से दूसरी जगह तक सोसाइटी है। इस यहाँ पर सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट होती है। बट कम्युनिटी पजेसेस अ पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन जो कम्युनिटी है उसके पास एक पार्टिकुलर अपना एक एरिया होता है जहाँ पर कम्युनिटी प्रेजेंट होती है। कम्युनिटी की हम पहचान कर सकते हैं, कम्युनिटी में नेमिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे गुजराती कम्युनिटी, काश्मीरी कम्युनिटी, लेकिन सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, सोसाइटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब सोसाइटी को हम एकदम से नहीं समझ सकते हैं। बट कम्युनिटी इज़ लेस कॉम्प्लेक्स, जो कम्युनिटी है वो लेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कम्युनिटी में सिर्फ सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट हैं, लेकिन जो सोसाइटी है यहाँ पर सिमिलरिटीज़ भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको सेम टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।